लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्थारक्षो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कितनी भागोवाली है शोभा, परसों मंगनी हुई, आज शादी है और कल अपने दूल्हा के साथ कनाडा चली जाएगी। सुना है इसका पति करोड़पति है। करोड़पति? अरे करोड़पति है तो वही किसी से शादी क्यों नहीं कर ली? ब्याहने के लिए यही बिन बाप की कंगाल बेटी मिली थी। तू तो शोभा से जलती है, लड़कियां तो इसे एक से एक मिलती थी लेकिन इसे रंग बिरंगी तितलियां पसंद नहीं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटे। मुझे गरीब की बेटी से शादी करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ जी, शोभा अनपढ़ है, कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। बेटी, अपने पति को हर हाल में खुश रखना, तेरा पति ही तेरा सब कुछ है। मैं तो तेरी शादी के इंतजार में जिंदा थी। तू देश जा रहे हो, राम सीता की जोड़ी को एक बार जी भर कर देख लो। थैंक यू शोभा, अपने देश से यहां दूर देश आकर यह घर बनाया है। आज से तुम इस घर की शोभा हो। फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर टुडे टू विश अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी प्रॉस्परस मैरिड लाइफ टू मिस्टर एंड मिसेस अरुण खन्ना। लेट्स जॉइन, कंग्रेट्स। Congratulations, Arun. Thank you. भाई बेबी तो बहुत खूबसूरत लेके आए हो।
अब देखना यह है कि इस विदेशी धरती पर यह फूल महकता है या मुरझाता है। अरे काका, ये भी तो हो सकता है कि ये फूल तुम्हारी तरह फूल का सेहतमंद बन जाए। जी आप इनकी फिक्र छोड़िए, अपनी खैर मनाइए, बहुत हंसिए दूसरों पर। आप आइए मेरे साथ। लेडीज, हियर आई प्रेजेंट टू यू मिसेस अरुण खन्ना और मिसेस खन्ना, ये है रीटा जिसे आपकी शादी का सबसे ज्यादा दुख हुआ है। शायद अब मुझे क्यों दुख होने लगा? इज योर मैरिज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लव अफेयर? जी I mean, did you have to wait long to get married to him? जी मैं समझी नहीं। आप अंग्रेजी नहीं समझती? थोड़ी थोड़ी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। तो यहाँ के लोगों की बातचीत कैसे समझोगी? जी बात करना जरूरी है। भाई गूंगे भी तो एक दूसरे को अपना मतलब समझा देते हैं। Congratulations, Arun. Thanks, Kura. Mubarak. Congratulations. Thank you. Would you please like to dance with me? जी, ये पूछ रहे हैं कि आप इनके साथ नाचना पसंद करेंगी? माफ कीजिए, मुझे नाचना नहीं आता। वाह मजा आ गया। पूछो नहीं क्या बीती लोगों के दिलों पर, सब जल भुनकर खाक हो गए। और क्यों ना हूं, हम भी तो हिंदुस्तान से वो हीरा उठाकर लाए हैं जो लाखों में एक है। शोभा आंसू, माना कि आंसू भी तुम्हारे मोतियों से कम नहीं, लेकिन आज की रात रोने के लिए नहीं बनी। शादी के लिए यहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर सात समुद्र पार आकर मुझ गरीब से शादी करने की क्या जरूरत थी? ये ना कहो कि तुम गरीब हो, जो दौलत तुम्हारे पास है यहाँ किसी के पास नहीं। लाज जो औरत का सबसे कीमती गहना होता है। इसके सिवाय और है क्या मेरे पास? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, बस एक चीज की कमी है, यहाँ के रीतों रिवाज नहीं जानती। वो मैं सिखा दूंगा। तुम्हारी ट्रेनिंग आज इसी वक्त शुरू होगी। ट्रेनिंग? ट्रेनिंग पहला लेसन लव यानी कि प्यार। जब एक और एक एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो होंठों को होंठों के पास ले जा। रीटा, आज हमें आकाशवाणी से खबर मिली कि रीटा जी अपने शी जी के साथ नायगरा जा रही हैं। तो हमने सोचा हम भी अपनी श्रीमती जी के साथ उनके पीछे पीछे चले आएं। इस फूल में न रहना कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, हमने आपको अपनी नजरों की तार से खींचा है। नमस्ते रवि। नमस्ते। आप सब कुछ देख रहे हैं और फिर भी चुप है, क्यों क्या हुआ? आपको मालूम है शादी से पहले रीता मेरे पति पर मरती थी और अब भी उनके पीछे पड़ी है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप भले आदमी हैं लेकिन रीता का मेरे पति के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नॉनसेंस। रीता चलो। क्यों? चल के बताता हूँ। क्या हुआ रमेश? अपनी बीवी से पूछो। क्या कहा शोभा ने? कहती आप में और मेरी बीवी में गलत ताल्लुकात है। क्या? और नहीं तो क्या? ऐसी तोहमत लगाने की जरूरत तुम्हें कैसे हुई? कानों सुनी नहीं आंखों देखी बात कह रही हूँ। क्या देखा तुमने? वो आपका हाथ अपने हाथों में लिए आंखों में आंखें डालकर हंस नहीं रही थी?
तो ये निकाला है तुमने इसका मतलब? और भी कोई मतलब निकलता है तो आप समझा दीजिए। शोभा, ये यहाँ के रीतो रिवाज हैं। रीतो रिवाज का तो सिर्फ बहाना है। अब अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। Thanks.
आसमान के चांद को तोड़कर आपने अपने आंचल में छुपा लिया है, हम भागे चले आए। आंखों से देखा तो यकीन हो गया। मैंने तुम्हें चांद सा बेटा दिया, तुमने मुझे क्या दिया? किस चीज की कमी है? कहने को तो सब कुछ है और सोचो तो कुछ भी नहीं। हेलो मिस्टर खन्ना है? आई एम सॉरी, ही इज इन द कॉन्फ्रेंस राइट नाउ। मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, ही इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। मम्मी डैडी कब आएंगे? बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है बेटे? ठहर, मैं अभी खाना लाती हूँ। आइए खाना खा लीजिए। खाना मैं गोरा साहब के घर से खाकर आ रहा हूँ, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने दफ्तर फोन भी किया था, आप कहलवा देते कि आप देर से आएंगे तो आपके इंतजार में मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि खाने पर मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हर रोज आप 12-1 बजे घर आएंगे खाना खाकर, अपना वक्त अपने दोस्तों और उनकी बीवियों के साथ गुजारेंगे, तो मेरी क्या जरूरत है? तो और क्या करूँ, मेहमान घर में आते हैं तो तुम उनकी बेइज्जती करती हो, तुम्हें किसी पार्टी में ले जाता हंसी उड़ती है, और ये सब मेरे और मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तुम चाहती हो तुम्हारी खातिर सब छोड़ दूं? मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा और इस दूर देश में आई तो क्या अकेली मरने के लिए? क्या मिला मुझे बदले में? क्यों किया मैंने ये सब कुछ? तुमने मुझसे शादी की है, कोई ऐसा नहीं किया। इस सौदे में घाटा मुझे हुआ है, धोखा मेरे साथ हुआ है, शिकायत मुझे करनी चाहिए। क्या हो गया आपको? आइए, ये ऐसा लगा आपको? ठहरिए, मैं ये पी लीजिए, तभी ठीक हो जाएगी। क्या पी लीजिए ना? शोभा, सचमुच तबीयत संभल गई? क्या था ये? काढ़ा। मेरे बापू को भी ऐसे ही दौरे पड़ते थे गुस्से में, और माँ उन्हें ये बनाकर पिलाती थी। अच्छा। मम्मी डेविड का नाम भी लिखो। मम्मी कैटी का नाम भी लिखो। अच्छा, और किसका नाम लिखो? मम्मी अमर का नाम भी लिखो। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? पिंकी के जन्मदिन के लिए मेहमानों की लिस्ट। हाँ। देख लीजिए, किसी और को बुलाना हो तो। डैडी ये क्या है? ये बेटा पार्टी में पहनने के लिए तुम्हारी मम्मी की नई ड्रेस। अब तुम्हारे मेहमानों के सामने मुझे ये ड्रेस पहनना होगा? क्यों, अच्छा खासा तो है, मेरा दिल रख लो, मैंने तुम्हें कभी ऐसे ड्रेस में नहीं देखा। तुम जानते हो मुझे बेशर्मी पसंद नहीं, मुझे मजबूर मत करो। बस सिर्फ इस पार्टी में पहन लो प्लीज। दो बच्चों की मां को अब जलील करोगे? कहा ना नहीं। ओके, जहां से लाए हो वही लौटा दो। अच्छा लौटा देता हूँ, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए आज तो झगड़ा मत करो। नैन्सी प्लीज कम इन। ओके सर। यस सर। नैन्सी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये गेस्टों की लिस्ट है, सबको इन्फॉर्म कर देना। ओके सर।
डैडी हमारी पॉपी क्यों ली? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आप मम्मी से प्यार नहीं करते? हाँ मम्मी से भी प्यार करते हैं। तो मम्मी के पॉपी क्यों ले लेते? क्यों जी, क्या इरादा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? लो सुन लिया, क्या देख रही हूँ मैं? क्या? नैंसी। हाय नैंसी। हाय। नैंसी कूपर मेरी सेक्रेटरी। टेलीफोन पर आवाज बहुत सुनी होगी तुमने। हम? तो जो इच्छा तुम्हारी बीवी पूरी ना कर सके ये पूरी कर देती है। हा? मतलब? ये ड्रेस तुम मेरे लिए लाए थे ना? तुमने पहनने से इनकार कर दिया। ड्रेस इसे पसंद आ गई इसने पहन ली। मामूली सी तो बात है। ये भी मामूली सी बात है कि तुम हर रोज इसके साथ 12 बजे तक ओवर टाइम करते हो। ये भी मामूली सी बात है कि अब तुम्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता इसलिए इसके साथ डिनर होटलों में खाते हो। और ये भी मामूली सी बात है कि मैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सिर्फ नौकरानी का दर्जा रखती हूँ। और ये चुड़ैल शोभा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे ही तो नहीं बढ़ी, अपने आप को लोक लाज के हद में समेटे रखा। अगर बेशरम होकर हद से निकल गई होती तो आज तुम मेरे ही घर में मेरी सौत को ना ले आए होते। शोभा कुछ भी आज तक होता रहा और जो कल रात हुआ उसके बाद यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं।
तुमने फैसला कर लिया? शायद एक दूसरे को देने के लिए अब दुखों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ सोचा है कहाँ जाओगे? मां तो अब रही नहीं जो हिंदुस्तान जाऊं। अमेरिका में एक रिश्तेदार है, उन्हीं के पास चली जाऊंगी। ठीक है, रुपए पैसों की जितनी जरूरत हो मुझे बता देना। गरीब घर की हूं, तीन कपड़ों में आई थी, तीन कपड़ों में ही जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे बच्चे हैं। तुम बच्चों के साथ ले जाना चाहती हो? मेरी बाकी जिंदगी का सहारा ये बच्चे ही तो हैं। और बच्चे अगर मैं ना ले जाने दूं तो? तो मैं कानून का सहारा लूंगी। क्या मिसेस खन्ना बच्चे साथ ले जाना चाहती हैं? जी हाँ। कोई तरीका है कि दोनों बच्चे मेरे ही पास रहे? है। क्या? हम कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि आपके बीवी का चाल चलन अच्छा नहीं है। जी। इसलिए बच्चे उनके पास रहे तो उनका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। मिस्टर मेहरा, आपका दिमाग तो ठिकाने है। मेरी बीवी ने सपने में भी कभी किसी पराए मर्द के बारे में नहीं सोचा। आपको बच्चे चाहिए या नहीं? अगर उसके लिए मुझे अपनी सीता जैसी बीवी को अदालत में जलील करना होगा तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, तो मैं आपका कॉम्प्रोमाइज करवा देता हूं। लड़की आपके पास रहेगी, लड़का मां के पास रहेगा। मंजूर है। पता तो उसका लेते हैं जिससे कोई नाता हो। मम्मी, भैया। लोग बड़े छोटे कदम तोड़ते हैं क्यों? लोग बड़े छोटे कदम तोड़ते हैं क्यों? अपने drink. Go to sleep now. पीऊंगा नहीं तो सोऊंगा कैसे? तुम तो पीकर बेहोश हो जाओगे। What about Pinky? फिर माँ के इस बेचारी का क्या हाल होगा? Darling. Give me one month. I'll be Mrs. Arun Khanna. तुम मुझसे शादी करोगी? तो मेरा क्या होगा? हाँ? तुम तब भी वही करोगे जो अब कर रहे हो। You mean this? I mean more than this. But... Thank you.
थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई है। जहां मेरा खून बहना चाहिए था वहां आपका खून बहा है। इसके बदले में आप मेरा नाम और पता जानना चाहेंगे? जी नहीं, नाम जानना तो इतना जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपकी जान के पीछे क्यों पड़े थे। दरअसल बात यह है कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया है, लेकिन शौक सब लड़कों के दिए हैं। खतरों से खेलना सिर्फ मेरा शौक ही नहीं, पेशा भी है। बस यूं समझिए, जान हथेली पर लिए घूमती रहती हूँ। जी मैं समझा नहीं। टोरंटो के अंडरवर्ल्ड में रेनू को सब जानते हैं। अगर किसी मुजरिम की जन्म कुंडली जाननी हो तो रेनू को मुनासिब फीस देकर सब पता लगाया जा सकता है। इन मुजरिमों के खिलाफ मैंने इन्फॉर्मेशन बेची थी। बड़ी अजीब और गरीब चीज है आप, और उससे भी ज्यादा अजीब आपका पेशा है। ये तो पहली मुलाकात है, दो चार मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर। जी ये रहा मेरा कार्ड, आप अगर कभी टोरंटो आए तो आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बाय। तुझे तो दूसरों के झंझट में पड़ने की आदत हो गई है, जब देखो चोट लगाकर चला रहा है। तूने सारे जहां की लड़कियों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, तूने कभी यह भी सोचा है अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मां मामूली से खराश आई है, तुम तो वैसे घबरा जाती हो। घबराहट, दुख और तकलीफ के सिवा मैंने जाना ही क्या है। तू इतना सा था जब मैं तुझे लेकर चली आई थी, तब से लेकर आज तक मैं ही जानती हूं मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। और एक तू है, तू भी अपने डैडी की तरह मुझे सताने लगा है। माँ, फिर रोने लगी, फिर आ गई तुझे उसकी याद। मेरा पास चले तो अपनी रगों में बहरे उसके खून को निकालकर बाहर फेंक दूं, जो बार बार तुझे उसकी याद दिलाता है। नहीं राजू, ऐसा नहीं कहते अपने डैडी के बारे में। क्यों ना कहूं, जिसने दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया उसे डैडी कहते मुझे शर्म आती है। नाता तो मुझसे तोड़ा है, तुझसे नहीं। मुझसे भी कोई नाता नहीं है, अगर होता तो इतने सालों में मेरी खबर ना ली होती, ये जानने की कोशिश ना की होती कि हम मर गए या जिंदा हैं। बस कर राजू, आज जन्माष्टमी है, शुभ शुभ बोल और चल मंदिर चलने की तैयारी कर। Thank you.
डैडी। हेलो पिंकी। हाउ आर यू डैडी? मैं ठीक हूँ। डैडी। बोलो बेटे। आप मेरे साथ फ्लोरिडा चलेंगे ना? फ्लोरिडा? क्यों? भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हरे रामा मंदिर में सभी हिंदुस्तानी इकट्ठे होंगे। तुम जाओ बेटे, मेरे यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। शांति मन की सबसे बड़ा सुकून, शांति मन की सबसे बड़ा सुकून, प्रभु तेरे चरणन में। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। भगवन तेरा भरोसा, ऐसा भगवन जिसमें नहीं कोई धोखा। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे।
Another millionaire's daughter kidnapped by Ontario kidnappers. Good. 15 साल हो गए तुम्हें कोशिश करते हुए कि तुम अरुण खन्ना की बीवी बनकर उसकी सारी दौलत ले लो, मगर एक पैनी भी हाथ नहीं आई। I will try again. अब इस बाजी फूल में रखा क्या है जो वो सूंघेगा? मुझे एक प्लान सूझा है। What? अरुण खन्ना की बेटी पिंकी को किडनैप करके इतना रैंसम मांगा जा सकता है कि तुम्हारी और मेरी बाकी जिंदगी चैन से गुजर सके। और पुलिस? हम किडनैपिंग ऐसे ढंग से करेंगे कि पुलिस भी यही समझेगी कि ये किडनैपिंग भी ऑन्टारियो किडनैपर्स ने की है। मुझे डर लगता है। डरो मत, रैंसम मिलते ही तुम और मैं यूरोप फ्लाई कर जाएंगे। तुम सिर्फ इतना बताओ कि पिंकी की शाम कहां गुजरती है? लव बोट डिस्को में। We are sorry to interrupt. This is special news from Ontario Broadcasting. Miss Pinky, daughter of a multi-millionaire industrialist, Mr. Arun Khanna, has been kidnapped. It is suspected to be another act of Ontario kidnappers. The police is investigating. Special news is over. Tony kahan hai? एक करोड़पति की बेटी किडनैप हो गई है। पुलिस इस किडनैपिंग का ब्लेम हमारी गैंग पर लगा रही है, जबकि किडनैपिंग हमने नहीं की। तुम पता लगाओ कि ये किडनैपिंग किसने की है। सर, आज की पोस्ट में ये वीडियो कैसेट आया है। वीडियो कैसेट? किसने भेजा होगा? चलाकर देखिए, शायद कुछ पता चले। आपने पहचान लिया होगा कि यह आपकी बेटी पिंकी है। इस वक्त जो आप इसकी हालत देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर हमें $5,00,000 का रैंसम ना मिला तो इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगर आपने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो लड़की की जगह उसकी लाश मिलेगी। Oh my God! Oh no, sir. Mary Pinky. You got to pay them. They are very dangerous people. Speaking. मैं शोभा। हाँ? शोभा? शोभा?
इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज। मैंने कसम खा ली थी कि मेरी आवाज की परछाई भी आपके जीवन पर नहीं पड़ेगी, लेकिन आज मजबूरी में फोन करना पड़ा। मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़ आई थी। दौलत और औरत के प्यार में आप ऐसे खोए कि उसकी रक्षा न कर सके। मुझे अपनी अमानत चाहिए, मुझे मेरी पिंकी चाहिए। शोभा, सभी बातें फोन पर ही कहोगी। कितना पैसा मांगते हैं वो? बात पैसों की नहीं है शोभा। सारी दौलत देकर भी मुझे अपनी बेटी को लाना पड़े तो मैं लाऊंगा, लेकिन पैसे देना पिंकी की जान को खतरे में डालना है। जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, पिंकी को जिंदा रखेंगे वो। पुलिस की मदद ले नहीं सकता शोभा, मैं अकेला पड़ गया हूं। ऐसे में मुझे अपनों की जरूरत है, जरूरत है मुझे तुम्हारी, अपने बेटे की। बेटा? क्यों, क्या बात है? मेरा राजू। मैंने तुम्हारी अमानत को संभाल के रखा है, लेकिन लेकिन वो तुमसे, मुझसे तुमसे नफरत करता है। तुम्हारे सामने आया तो कुछ करना बैठे। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगा, उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूं। तुम उसे लेकर एक बार मेरे पास आओ तो। मैं अगली फ्लाइट से ही उसे लेकर टोरंटो पहुंचती हूँ। जीते रहो बेटे। अरे बेटे कितने बड़े हो गए हो तुम। नमस्ते। कितना बड़ा हो गया रे तू। जी, मुझसे कहा? बेटी, हाँ? जब तू बहुत छोटा था इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। अब इनकी बेटी किडनैप हो गई है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इन्हें हमारी सहायता चाहिए। अंकल, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ चले। आइए, कम आप लोग लंबे सफर से आए हैं, आराम कीजिए। अंकल आराम कैसा, आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में है, आराम का वक्त कहाँ है? आपके पास पिंकी की कोई तस्वीर है? हाँ है, ये मेरी बेटी पिंकी। ये तस्वीर मैं रख सकता हूँ? हाँ जरूर। मैं यहाँ एक इन्फॉर्मर को जानता हूँ, वो शायद मदद कर सके। मैं चलूँ? कैसी हो शोभा? ठीक हूँ। कितनी बदल गई हो? वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कभी तुम्हें मेरी याद, न जाने मेरी बेटी पिंकी किस हाल में होगी। मैडम फूड। नासिर, मिस्टर खन्ना ने आपकी हेल्प के लिए अपनी वाइफ और बेटे को बुला लिया है। हमें जल्दी रैंसम
लेना चाहिए। तुम खन्ना से निपटो और मैं उसके बेटे से निपट लूंगा। टोनी की खबर सच्ची है, पिंकी को उसके बाप की सेक्रेटरी और नासिर ने किडनैप किया है। नाम हमारे गैंग का लगा है, जब नाम लगा है तो लड़की भी हमारे पास होनी चाहिए। क्यों टोनी? कल रात लड़की यहां पहुंच जाएगी। ये तो सोचा था कि तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये नहीं सोचा था। रेनू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, एक लड़की को तलाश करना है। ओह माय गॉड, और मैं ये समझ बैठी थी कि तुम इस लड़की की तलाश में यहां आए हो। खैर बताओ, कौन लड़की है वो? ये है लड़की, नाम है पिंकी, यहाँ के करोड़पति सेठ अरुण खन्ना की इकलौती बेटी, इसे किडनैप कर लिया गया। देखिए लड़की कहाँ है, इसे किसने किडनैप किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ कुछ का क्या मतलब? देखिए, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरा बिजनेस है इन्फॉर्मेशन बेचना और खरीदना। हाँ, आपने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है, इसलिए आपके लिए कुछ कंसेशन जरूर होगा। जी हाँ, मेरा कंसेशन रेट है $10,000। मुझे मंजूर है। देखिए, ये सारी रकम एडवांस में होगी, हमारे बिजनेस में उधार नहीं चलता। थैंक यू। देखिए, आप कल रात को 9 बजे कैसीनो रॉयल में आ जाइए, वहां पर आपको किडनैप करने वाले के दर्शन करवा दिए जाएंगे। मुफ्त में ही जान लेंगे, कीमत नहीं देंगे इतनी कीमती इंफॉर्मेशन की। क्या कीमत चाहिए? $10,000 दूंगा। अपने धंधे में उधार नहीं चलता, पेमेंट इन एडवांस। ये लो। थैंक यू। कल रात 9 बजे कैसीनो रॉयल में आ जाना, शक्ल बता दूंगी। Thank you.
The girl. I say, who are you? Where is the girl? Get out! Thank you.
जब ये लॉटरी खुलेगी तो हम सब अमीर हो जाएंगे। तब तक मैं तुम सबको वार्निंग देता हूं कि कोई इस लड़की के करीब जाने की कोशिश ना करे। ये वार्निंग सिर्फ हमारे लिए है या टोनी के लिए भी? टोनी को औरतों में नहीं, पिस्टल में दिलचस्पी है। मुझे रेणु कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? जाना कहाँ है? जहां मर्जी हो ले चलिए। अगर प्ले देखना है तो थिएटर चलते हैं, अगर स्ट्रिप्टीज देखना है तो मैं एक दो अच्छी जगहें जानती हूँ, और अगर भूख लगी है तो जाना कहाँ है? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, और भगवान झूठ ना बुलवाए, लाखों में एक हूं। मेरी तरफ देखकर आपके दिल में ऐसा नहीं होता? मुझे औरतों से नफरत है। क्या तो मुझे लिफ्ट क्यों दी? मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़की समझा था। मैंने भी तुम्हें एक शरीफ आदमी समझा था। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, गलती मुझसे हुई। क्या? ओहो हो, मिस्टर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जेब में जो कुछ है निकाल के दे दो, वरना वरना शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हेल्प! खुद उतरोगी या मैं उतारूं? उतरूंगी नहीं, पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ोगी तो अपना ही नुकसान करोगी। शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी, कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। हेल्प! अब पुलिस को तुम बुलाओगी या मैं बुलाऊं? ऐसा करते हैं, पुलिस को बुलाने वाली बात भूल जाते हैं। वैसे आप तो मेरे गुरु निकले, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। गेट आउट। गेट आउट? यस ऑफ कोर्स, गेट आउट, गेट आउट रेनू, गेट आउट। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, रियली सर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय सर, बाय बाय, बाय बाय। भागता कौन है? मैंने कोई जुर्म किया है जो भागूंगी? मैं तो जॉगिंग कर रही हूँ। गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ मैं तुम्हारी ठीक कह देता हूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें धोखा देते? देखो अपने धंधे में शर्म वर्म कुछ नहीं होती, अगर शर्म करती तो उसे $10,000 कैसे मिलते? अब तो सारे डॉलर खर्च कर चुकी हो ना, अपने घर चलो, तुम्हारा भाई मर रहा है। दिलदार सिंह को भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है, इससे तो अच्छा था कि वो होता ही नहीं। बहुत ही बेशर्म हो, मुझ जैसे गैर को लूटा से लूटा, कम से कम अपने भाई पर तो रहम करो। तुम जैसे गैर उस भाई से अच्छे हैं, अगर उसका बस चले
तो मुझे शराब की एक बोतल के लिए नीलाम करते। तुम क्या समझते हो तुम जैसे शरीफ लोगों को लूटना मुझे अच्छा लगता है? ये सब मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, वो करवाता है मुझसे। दिलदार सिंह ने मुझे मुजरिम बनाया। मैं जितना पैसा कमा कर लाती हूँ वो शराब और जुए पर उड़ा देता है। शादी करना, तुम्हारे जैसे प्यार करने वाले पति को पाना मेरे लिए एक सपना बनकर रह गया है। दिलदार सिंह मुझे कभी शादी नहीं करने देगा, कभी शादी नहीं करने देगा। ए, ए, सुनो, ए, सुनो, देखो तुम सड़क पर मत रहो प्लीज। हाँ घर चल करो ना, वहां रोने वहां दिलदार भी होगा। हाँ उसके सामने रोना उसको अच्छा लगेगा। हाँ? कौन आया है? रेणु तुम हो? जी प्राची। अंदर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी आती हूँ प्राची, आप यहीं पर ठहरिए, मैं जरा उन्हें बहलाती हूँ। टिकड़ी जी प्लीज। अब आई हो, नोट तुम्हें किलो की तरह चुभते हैं। कुछ बचाया सब कुछ लुटाई। चुलाई थी वो आपने शराब पे लुटा दिया, मेरे पास क्या बचा है? मैं क्या हजारों की शराब पीता हूं? उस बेचारे से $10,000 लिए थे, उसका क्या हुआ? मेरे पास एक एक सेंट का हिसाब है प्राची, मकान की इंस्टॉलमेंट, टैक्सेस। मैंने अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया प्राची, मैं सच कहती हूं मैंने अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया। हाँ तो पिछली रात कहां गुजारी तूने? मैं आपकी रातों का हिसाब थोड़ी ही मांगती हूं जो आप मेरी रातों का हिसाब मांग रहे हैं। हरामजादी! इंजेक्शन इंजेक्शन, मर रहा हूं, जल्दी से इंजेक्शन। भाई साहब आप लेटिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। मर रहा हूं, जल्दी से इंजेक्शन लाओ। मैं भी लाती हूँ, आप लेटिए प्लीज। मैं भी आती हूँ, बाजू की डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लेकर। प्लीज पानी पानी, मैं मर रहा हूं। हाय हाय पानी, मैं मर रहा हूं पानी। दिलदार जी मैं पानी पानी लेके। तुम कब आए? जी मैम अभी आया। रेणु रेणु इंजेक्शन लेने गई है। जी गई है। लेकिन मैंनु पता है शाम तक वापस नहीं आएगी। नहीं, वो मैंनु मार डालेगी, वो मैंनु मार डालेगी। सुनिए तुम मैंनु चंगे आदमी लगते हो। जी थैंक यू। मैंनु वादा करो अगर मैंनु कुछ हो गया तो तुसी उससे शादी कर लेवांगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाली। वो बिगड़ी हुई जरूर है लेकिन दिल दी बुरी औरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? दिलदार जी आप आराम से लेटिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। खाना खा जाओ। टोनी अगर मैं कहूं कि मुझे भूख नहीं है तो?
ऐसा भी कहीं होता है? होता है कभी कभी। मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? अच्छी। बहुत अच्छी। तुम उसे प्यार करते हो? बहुत। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। सच? तुम्हें विश्वास नहीं? विश्वास नहीं तो आजमा के देख लो। कैसे? जब दो जिस्म एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे में खो जाते हैं। मेरा प्यार पालोगे तो तुम मुझ पर भरोसा भी करने लगोगे। ये वो प्यार नहीं है जो मुझे तुमसे चाहिए। पहले तुम्हें अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी। तो तुम्हें बताओ, आत्मा कैसे तुम्हारे हवाले करूं? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? जब तुम प्यार करने लगोगी तो मुझे अपने आप पता लग जाएगा। टोनी इस लड़की को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लगा है। आजकल वो शेव भी करने लगा है, रोज कपड़े भी बदलने लगा है। इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, इस लड़की से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। क्या हुआ? रुक भाई, दिलदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। Oh my God, so sad. मैंने अपने भाई को मार डाला, मैंने उसकी जान ले ली। हौसला रखो। तो क्या हुआ अगर वो शराबी था तो आखिर मेरा भाई मुझसे प्यार करता था? इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी सोल, मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी? रेनु, रेनु, देखो, रोने से कोई फायदा नहीं है। दिलदार को एक ना एक दिन तो जाना है। चलो उठो, चलो। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे बाहर बैठना। चलो, जो होना था सो हो गया, हिम्मत रखो। आखिरी वक्त उसके होंठों पर तुम्हारा ही नाम था। मैं तो उसे एक दो बार ही मिला हूं। हाँ, लेकिन उसे तुमसे कुछ मोह सा हो गया था। दिलदार से तुमने कुछ वादा किया था। वादा? नहीं तो क्यों? वो कह रहे थे उनके मरने के बाद तुम ही मेरी देखभाल करोगे, मुझसे शादी करोगे और मुझे हिंदुस्तान ले जाओगे। नहीं नहीं, हिंदुस्तान तो मैं खुद ही नहीं गया हूं। मैं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात हुई नहीं। जानती हूं मैं बदसूरत हूं। हा? मैं चोर हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। नहीं, देखो मेरे भैया की अंतिम इच्छा का क्या होगा? लिसन रेनू, मेरी तुम्हारी शादी वादी की कोई बात हुई नहीं तो फिर क्या बात हुई थी? कौन आया है? रेनू तुम हो? अंदर आओ। दिलदार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब आई हो? नोट तुम्हें कीलों की तरह चुभते हैं। कुछ बचाया सब कुछ लुटाई। दिलदार प्राजी की याद महफूज रखना चाहती थी, इसलिए उनकी आवाज टेप करके रख ली। Oh.
भी भाई की याद के लिए रखी। तो दिलदार मर गया। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ करोगी कैसे, करोगी तब ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़। ओह माय गॉड, नहीं 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 प्लीज, मैं तुम्हें लड़की ढूंढने में मदद करूंगी, प्लीज ऐसा मत कर, डोंट किल मी, डोंट किल मी, डोंट किल मी, डोंट किल मी। जिस तरह की जिंदगी गुजार रही हो उसका अंजाम जानती हो क्या होगा? बोलो। जानती हूं। तो फिर अब तक जीने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए मौत से आंख मिचोली खेलना अच्छा लगता था। अब किसी ने जिंदगी में प्यार पैदा कर दिया है, इसलिए जीना चाहती हूं, बदलना चाहती हूं। तो अब क्या शुरू करोगे? जिसने नई जिंदगी दी है वही सोचे अब क्या करूंगी, मैं क्यों सोचूं? पूछोगे नहीं वो कौन है? जिस सवाल का जवाब मालूम हो पूछा नहीं करते। आप तो हमसे प्यार।
वक्त भी थोड़ा बदल गया, आप भी थोड़े बदल गए, आ गई दोनों राह पे, बहके मगे संभल गए, बहके मगे संभल गए। कॉफी बहुत अच्छी बनी है। तुम पहली बार मेरे हाथ की बनी कॉफी पी रही हो, तुम्हारी खराज में बनाने की आदत पड़ गई। तुम तो कभी किचन में जाते भी नहीं थे। ऐसे बहुत से काम है जो पहले नहीं करता था। हेलो, ऑन्टारियो किडनैपर स्पीकिंग। तुम्हारी लड़की को जिंदा लौटाने की कीमत $1,000,000 डायमंड्स में तैयार रखो। अगली बार टेलीफोन पर तुम्हें बताया जाएगा कि डायमंड्स कहां और कैसे पहुंचाने हैं। डील डबल होगी, हम तुम्हें डायमंड्स देंगे, तुम हमारी पेटी लौटाओगे। और अगर हम ऐसा ना करें तो? आई एम सॉरी, फिर डायमंड्स भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें हम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। वो जैसा कहते हैं आप वैसा क्यों नहीं करते? शोभा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार पैसे उनके पास पहुंच गए तो वो पिंकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर पैसे नहीं मिले तो क्या पिंकी को आजाद कर देंगे? नहीं। तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे और तब तक हमें अगले फोन का इंतजार करना होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शोभा, आज रात मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, तुम यहीं रुक जाना। पराए घर में रुकूंगी तो राजू क्या कहेगा? कभी ये तुम्हारा अपना घर था? कभी था, अब तो नहीं। रुक
साथी रुक जा साथी ओ रुक जा साथी चला है अकेला कहाँ मिलेगी न मंजिल कोई यूं अकेले रुक जा साथी ओ रुक जा साथी जिसके दिल पर नहीं गुनाहों के साए कौन है ऐसा जिसके दिल पर नहीं गुनाहों के साए सुबह का भूला जो शाम को लौटे भूला नहीं कहलाए रुक जा साथी चला है अकेला कहाँ मिलेगी न मंजिल कोई यूं अकेले रुक जा साथी ओ रुक जा साथी इस वक्त बस यहां से जाना चाहता हूं कहां जाऊंगा कुछ मालूम नहीं बेटा तू खत्म हो चुका ये रिश्ता मैं वो हूं जिसे ना तो बाप का प्यार मिला ना भाई बहन का एक ही रिश्ता जाना था मां का वो भी आज टूट गया राजू तुम गलत समझ रहे हो गलत अगर यही बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो जान से मार देता लेकिन इन आंखों का क्या करूं जिन्होंने अपनी मां को एक गैर की बाहों में देखा है तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो झूठ है सच जानने की मुझे आपसे जरूरत नहीं मां जिंदगी भर तुम डैडी को कोसती रही यहां तक कि मेरे दिल में भी उनके लिए नफरत पैदा कर दी मुझे बाप और बहन के प्यार से महरूम रखा किसलिए इस आदमी की वजह से राजू काश मुझे भी उस अभागे के पास छोड़ दिया होता कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता इजाजत दो राजू इन सवालों का जवाब मैं दूं मैं ही वो आदमी हूं जिससे तुम हमेशा नफरत करते रहे मैं ही वो आदमी हूं जिसकी वजह से तुम बाप के प्यार से महरूम रहे मैं ही वो अबाका हूं जो अपना होकर भी पराया कहलाया हां राजू मेरे बेटे मैं ही वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसे आज अपने बेटे से कहना पड़ रहा है कि मैं उसका बाप हूं आप पिंकी मेरी बहन है तेरा कसूरवार मैं हूं तेरी मां नहीं तुझे बेटा कहने के लिए कब से तरस रहा हूं मां मुझे माफ कर दो
चार्ली। यस डैडी। टोनी चला गया है, अब मौका है। ओके डैडी, कम ऑन। बचाएगा तुम्हें, तुम जेल में सड़ोगे और लड़की अपने घर चली जाएगी। मार डालो मुझे, मारते क्यों नहीं? $10,00,000 के हीरे हैं। अब तुम्हारी बहन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। God is great। डैडी अब हेलीकॉप्टर से उनकी गाड़ी को फॉलो करेंगे और मैं कार से उनका पीछा करने की कोशिश करूंगा। गुड लक बेटे। थैंक यू बेटे। संभल के जाना। Diamonds.
आप लोगों का हिस्सा है, उठाइए। That's your share. Pick it up. माल सोच समझ कर खर्च करना। अगर लोगों को अचानक पता चला कि तुम लोग रातों रात अमीर हो गए हो तो वो लोग सोचने लगेंगे कि इनकी ऐसी कौन सी लॉटरी निकली है और मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन अब लड़की का क्या करना है? उसे वापस कर देंगे? अगर वो वापस गई तो हम सबको पकड़वा देगी। टूटना तो इस खिलौने को भी है, मगर जरा देर से। पहले टोनी तो इससे खेल ले। हेनु, पेंशन दे हुए 24 घंटे हो गए और पिंकी का भी कोई पता नहीं है। ऐसा ना हो कहीं वो सालिम। राजू, मैं जिस कैसीनो में जाती हूँ वहां एक लड़की आती है, डायना। कल से पहले उसके पास एक सेंट भी नहीं हुआ करता था। कल तुम लोगों ने रैंसम दिया और कल से वो डॉलर से लदी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की ऑन्टारियो किडनैपर्स में से एक हो। वो लड़की भी मिलेगी कहाँ? मेरे साथ चलो। Hi. You want to gamble? Wow, that's a lot of money. You got a share in ransom or what? Ransom? Yeah. Yesterday a millionaire delivered the ransom of $1 million. Maybe this is your share? Shut up. Would you like to have a drink with me? I'm staying in this hotel. Not a bad idea. Mm-hmm. I'll just make a phone call and be right back. Mm. Hello? Boss, I'm in trouble. Renu suspects that I'm also involved in the kidnapping of Pinky. I'm going with a boyfriend to Executive Hotel, room 601. Please send help. टोनी, डायना की जान खतरे में है। एग्जीक्यूटिव होटल रूम नंबर 601। What a lovely place. She is my sister. And now you are going to tell me where she is. I've never seen her before. You have. If you will not tell me, I'll kill you. Don't kill me. I will. Where is she? Don't kill me. Please, don't kill me. Oh, no!
मैं उसका ठिकाना जानती हूँ, मेरे साथ चलो। चलो। टोनी अभी तक नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो डायना कुछ बक दे और हम सारे के सारे मारे जाएं। जब तक लड़की जिंदा है हम सबकी जान खतरे में है, टोनी किसी को लड़की के पास जाने नहीं देगा। टोनी के आने से पहले लड़की को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, सुनहरी मौका है, जाओ उसे ले आओ। छोड़ दो। I am sorry, baby. You will have to go. No! No! जाओ। टोनी, ये क्या कर रहे हो? बेंगी। नहीं डैडी, लगातार गोलियां चल रही हैं। मैं पीछे जाने पूछता था, वहां पर नहीं।
तुम्हारी माँ हूँ बेटी। राजू भैया को भूल गई। राजू चलो चले। शोभा दुख और तकलीफ ने हमें एक किया है तो क्या सुख में हम बिछड़ जाएं? जब हमने एक दूसरे की अच्छाइयां बुराइयां अपना ली तो फिर हम साथ क्यों नहीं रह सकते? एक्सक्यूज मी, अगर आप सब लोगों ने साथ रहने का तय कर लिया है तो मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। तुम्हारे बारे में? हाँ माँ डैडी, मैं जाऊं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए? फूल तो दो दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए।